ये वीडियो बना रहा है सर, ये हम यूट्यूबर बंद करो, बंद कर दीजिए सर, बंद करो। ये देखिए राइट हैंड साइड में कितना ट्रैफिक है कोलकाता घुसने के लिए। पता नहीं ये सामने वाले भाई को क्या हो गया, फंस चुके हैं। ये सनराइज हो चुका है ऑलमोस्ट, और ऐसा है कुछ नज़ारा यहाँ का, चमक रही है, आप देख सकते हो पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे, और ये 6 लेन हाईवे पूरा फंसा हुआ है। ये रही हमारी प्यारी सी धन्नो, और ये रहे हम। लेना है वो शेरघाटी वाला रास्ता, आप जो देख पा रहे हैं। जा रहे हैं बिहार पटना। बिहार पटना जी। अच्छा अच्छा, क्या रखे हैं डैशबोर्ड पे? कुछ नहीं है सर, देखिए ना सर, कपड़ा है, देख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हाँ जी बिल्कुल। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है आपका 25th of May, और सुबह के बज रहे हैं अभी 3:22। सो चैनल पे अगर न्यू हो तो आपको शायद पता ना हो, बट आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पर, और ये रोड ट्रिप रहने वाली है हमारी अप्रोक्स 650 किलोमीटर्स की, और ये मैं कवर करने वाला हूँ फ्रॉम कोलकाता टू पटना एंड विथ माई सेल्टॉस। सो चलिए आपको गाड़ी में बैठ के मिलते हैं। ऐसा है कुछ मेरा लगेज, अगर आपको देख पा रहा हो तो, और एक ये मेरा ऑफिस बैग है पीछे में, और एक छोटा सा लगेज। सो चलिए आपको गाड़ी में बैठ के मिलते हैं। Fly by, I'm in your arms under the night sky. You take me away to a safe space. You're making my heart go boom boom. There's no other place that feels so right. I guess it's just you and me tonight. So हम इस ट्रिप पे अकेले नहीं जाने वाले हैं, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी जाने वाला है, दोस्त कम भाई कह लीजिए। सो हम लोग अभी निकल चुके हैं, मेरे घर से ज़्यादा दूर उसका घर नहीं है, मैं अभी वहीं जा रहा हूँ उसको पिकअप करने, उसको उठाते हैं फिर वहाँ से हम लोग निकलते हैं। सो ऐसा है कुछ रास्ते का नज़ारा। ट्रिप हमने सेट कर लिया है 0 पे, सुबह के टाइम हो रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 3:30। पैकअप वैकअप मैंने सब कुछ कर लिया था रात को ही, ऑफिस भी था यार, और फ्राइडे तक तो ऑफिस था, बट फ्राइडे को वर्क फ्रॉम होम था तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो हम आ गए अभी अपने दोस्त के यहाँ, और ये रहे हमारे मित्र साहब अपना लगेज रखते हुए। ये रही हमारी धन्नो। रात में यार क्लैरिटी अच्छा नहीं आ रहा है, बट लेट्स सी, चमक तो रही है वैसे, बट इतना भी ज़्यादा क्लियर नहीं है। ऐसा है कुछ लग रहा ना, कुछ होटल टाइप सा है, बट ये होटल नहीं है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी सुंदर सा बना हुआ है। और ये रही अपनी प्यारी सी धन्नो। ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा, सुबह के बज रहे हैं 3:30। चांद देखिए आप लोग। आज वैसे शायद फुल मून डे है या नहीं पता नहीं मुझे, या फिर पिछले दिन था, बट ऐसा है कुछ नज़ारा। ये रही हमारी धन्नो, और हम निकलते हैं, आपको रास्ते पे मिलते हैं। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं, ये है हमारा पहला टोल, और ये है सेकंड हुगली ब्रिज का टोल, एंड यहाँ पे टोल देके हम लोग निकलते हुए, और ऐसा है कुछ नज़ारा यहाँ का, देख सकते हैं। बीच में थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला था, बट चलता है क्योंकि इस टाइम पे तो ट्रक्स एंड ऑल सब रहते हैं। सो ऐसा है कुछ, आगे चल के आपको बताते हैं। अभी हमने डिस्टेंस कवर किया है 26.5 किलोमीटर मेरे घर से, और लेट्स सी हाउ द डे इज अनफोल्ड्स। ये देखिए राइट हैंड साइड में कितना ट्रैफिक है कोलकाता घुसने के लिए, और ये रहा अपना सेकंड टोल, और हम कवर किए हैं आपका ऑलमोस्ट 4750 किलोमीटर के आसपास। ऐसा है कुछ नज़ारा। टाइम हो रहा है आपका, कितना टाइम हो रहा है, 4:33। सो हाँ, हमने एक घंटे में 47 किलोमीटर्स कवर किया है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक था, हमारे भाई बंधु भी बैठे हुए हैं एकदम मस्त। ऐसा है कुछ, सुबह होने को है,
सनराइज तो पता नहीं आज होगा कि नहीं। आज कोलकाता में एक्चुअली साइक्लोन आने का बात है, सो देखते हैं कैसा क्या रहता है। हम लोग तो कोलकाता से बाहर निकल रहे हैं, बट अगर कुछ होता है रास्ते में तो वो भी एंजॉय करेंगे, आपको दिखाएंगे। पता नहीं ये सामने वाले भाई को क्या हो गया, फंस चुके हैं ये। चलिए टोल क्रॉस करके, ये है हमारा सेकेंड टोल, डानकुनी टोल प्लाजा। सो टोल क्रॉस करके आपको मिलते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं अभी हम लोग यहाँ पे टोल पे खड़े हैं, ये है पलसित टोल और हमने डिस्टेंस कवर किया है ऑलमोस्ट, आपको दिखा देते हैं डिस्टेंस हमने कवर किया है अभी आपका 106 और ये है हम पलसित टोल के वहाँ पे, आप देख सकते हो सनराइज हो चुका है ऑलमोस्ट और ऐसा है कुछ नज़ारा यहाँ का। सो ट्रक्स एंड ऑल, गाड़ी अपनी चमक रही है। यहाँ पे वे मशीन है, वे ब्रिज है, यहाँ पे ट्रक्स के वेट नाप रहे हैं ये लोग। डाइवर्जन एंड ऑल बहुत हैं इस रोड पे, सो हम लोग आराम से ही चल रहे हैं। सो चलिए आपको आगे चल के दिखाते हैं कैसा क्या रोड रहता है और आपको फिर मिलते हैं। यार वो टोल क्रॉस करते ही अभी हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक में आके फंस चुके हैं। ये है सर्विस रोड और वो है मेन हाईवे, तो हम लोग सोचे कि इस ट्रैफिक को हटा मतलब छोड़ के अगर इसमें अगर आ गए सर्विस रोड में आ गए तो खाली मिलेगा, बट यहाँ पे भी वही हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हुए हैं, फंस गए हैं पूरा। कोई नज़ारा आपको दिखाते हैं बाहर में ट्रैफिक का हाल, ऐसा है कुछ नज़ारा। आप देख सकते हो पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे और ये 6 लेन हाईवे पूरा फंसा हुआ है, दूर दूर तक कोई मूवमेंट नहीं है और सूर्यदेव एकदम आँखों के ऊपर। ये रही हमारी प्यारी सी धन्नो और ये रहे हम। चलिए मिलते हैं ट्रैफिक से निकलने के बाद आपसे। सो गाइस डिस्टेंस हमने कवर किया है 182 किलोमीटर एंड हम लोग हैं पनागढ़ क्रॉस करके थोड़ा सा आगे टूवर्ड्स दुर्गापुर। ऐसा है कुछ नज़ारा यहाँ का, धूप काफ़ी तेज़ है, ट्रैफिक बहुत था यार। ये डाइवर्शन रोड वाइडनिंग का जो काम चल रहा है यहाँ पे उसके वजह से बहुत ट्रैफिक था और डाइवर्शंस थे बहुत सारे, तो बॉटल नेक बहुत जगह क्रिएट हो रखा था, तो वहाँ से निकलने में बहुत टाइम लग गया। जनरली हम लोग घर से अगर 3:30 बजे निकलते हैं तो आपको पनागढ़ पहुँचने में 3 घंटे 3.5 घंटे ऐसे लगते हैं, बट आज मोर देन 4 आवर्स लग गए हमारे। सो ऐसा है कुछ नज़ारा यहाँ का। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ से झारखंड एंटर हो रहे हैं, ये आप देख सकते हो नीचे में दामोदर रिवर है और ये ब्रिज है और ऐसा है कुछ नज़ारा यहाँ का। थोड़ा आगे जाते ही मैथन डैम है, वो मिलेगा। टाइम बज रहा है 8:17, डिस्टेंस हमने कवर किया है 250 किलोमीटर्स, एग्जैक्ट 250 किलोमीटर्स है ये घर से मेरा एंड रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि पूरा यहां से पीछे तक जो भी था वो पूरा आपका 6 लेन रोड ही था, थोड़ा बहुत डाइवर्शन था उसमें क्योंकि वाइडनिंग का काम चल रहा है कहीं कहीं जहाँ पर 2 लेन है, अदरवाइज रोड कंडीशन बहुत अच्छा है अगर आप जा सकते हो। हम लोग ये बता दें हमारा जो रूट रहेगा बेसिकली यहाँ से वो हम लोग पटना जा रहे हैं, वो तो आपको पता चल गया होगा थंबनेल और इससे टाइटल से, बट हम लोग ये रूट लेंगे आपका नॉट फ्रॉम बोधगया, ये हम लोग लेंगे बरही से लेफ्ट लेके देन राइट, सो कोडरमा होते हुए हम लोग जाएंगे। और रहा यहाँ पे पुलिस चेकिंग का कुछ, ये क्योंकि इलेक्शन वगैरह का टाइम है पुलिस चेकिंग चल रही है। हाँ जी सर, जा रहे हैं बिहार पटना। बिहार पटना जी। अच्छा अच्छा, क्या रखे हैं डेस्क बोर्ड पे? कुछ नहीं है सर, देखिए ना। अच्छा, ये बीच में पीछे भी देखिए ना सर, खोल लीजिए, देख लीजिए क्या रखे हैं, खोल के दिखा दीजिए थोड़ा सा। हाँ हाँ जरूर 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 सर। हेलो, तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे झारखंड बॉर्डर में आए हैं, ये है कुछ चेकिंग का, ये
ऐसा है सर, देख लीजिए ना यहाँ पे। सर आज नहीं, हम तो रहेंगे, आप ठीक है, आप जाइए, डिक्की नहीं खोल के दिखाया। हाँ डिक्की दिखा रहे हैं आपको, पीछे देखना, बीच में देखना था ना। तो ये रहा कुछ यहाँ का नज़ारा, चल रहा है सर, कपड़ा कपड़ा है ठीक है सर, इसमें सर कपड़ा है, देख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, क्या कर रहे हैं सर? ये वीडियो बना रहा है सर, ये हम यूट्यूबर। बंद करो, बंद कर दिया सर, बंद करो। सो गाइस, हम लोग अभी चेकिंग वेकिंग करवा के निकले हैं और चेकिंग के दरमियान आपने देखा होगा ऑल ऑफ अ सडन मैंने कैमरा बंद कर दिया था, क्योंकि कुछ मिसबिहेव लोग थे वहाँ पे, जो मिसबिहेव कर रहे थे, अनकल्चर्ड लोग थे वहाँ पे, और ये झारखंड पुलिस थी, पता नहीं, एक बंदा था वहाँ पे जो कि ड्रेस में भी नहीं था, पुलिस ड्रेस में भी नहीं था, और वो कह रहा है कि कैमरा पटक दूंगा, तोड़ दूंगा। सो और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग सोचते हैं कि यूट्यूब जो कर रहा है वो टाइम वेस्ट कर रहा है, तो यूट्यूबर्स का कोई अभी यहाँ पे इंडिया में कहें या फिर स्पेशली दिस पार्ट ऑफ इंडिया जो कि झारखंड बिहार ये साइड में है, यहाँ पे थोड़ा यूट्यूब का थोड़ा गलत ही इम्प्रेशन है लोगों के मन में, मुझे जो लगता है। सो आप लोग इधर से जा रहे हो, इलेक्शन का टाइम है मैं समझ रहा हूँ, चेकिंग करने के लिए मैंने फुल कोऑपरेट किया था, ऐसा नहीं था कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई मैं चेकिंग नहीं करवाऊँगा या फिर कुछ भी। सो चेकिंग को मैंने फुल कोऑपरेशन के साथ करवाया, बट दे वर नॉट रेडी टू कोऑपरेट विद अस कि हाँ हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, एंड यूट्यूबिंग और रिकॉर्डिंग वीडियो इज़ नॉट रॉन्ग। एंड हाँ, अगर आप कहीं ऐसे जगह पे हो जहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग मना किया हुआ है, आप वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग फिर भी कर रहे हो, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे कुछ इलीगल हम कर नहीं रहे थे। सो हमने रिकॉर्डिंग इसलिए ऑन किया था क्योंकि ताकि हम भी देख सकें, रिकॉर्डिंग रहे सब कुछ का, कि ये लोग हमें कुछ, ये लोग जनरली क्या करते हैं कि खुद से भी कुछ बहुत कुछ डाल देते हैं कहीं कहीं बैग वैग खोलते वोलते टाइम, और फिर कहते हैं कि ये आपके बैग से मिला है। सो ताकि उसका प्रूफ रहे, सो हमने ये रिकॉर्डिंग किया था, बट दे वर नॉट कोऑपरेटिव इनफ। तो चलिए ठीक है, ये है हमारा झारखंड का पहला टोल, सो आगे दिखाते हैं आपको कैसा क्या रहता है और मिलते हैं, अभी तो बिहार का चेकिंग बाकी है, सो लेट्स सी हाउ द डे अनफोल्ड्स। और बिहार में तो आपको पता है ड्राई स्टेट है, तो वहाँ तो और भी बहुत ज़्यादा चेकिंग वेकिंग होती है, तो लेट्स सी, चलिए आपको रास्ते में मिलते हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है जर्नी में। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं, ये बरही वाला कटआउट है और डिस्टेंस हमने कवर किया है अभी 405 किलोमीटर फ्रॉम माय होम। ऐसा है कुछ नज़ारा यहाँ का, बाहर निकल के आपको दिखाते हैं, बहुत तेज धूप है और ये है बरही का क्रॉसिंग, ये रही हमारी धन्नो। यहाँ से आपको हमें लेना है वो शेरघाटी वाला रास्ता आप जो देख पा रहे हैं, और वहाँ से जाके पटना में कनेक्ट होगा वो, तो ऐसा है कुछ। हमारा झारखंड का पहला टोल, सो आगे दिखाते हैं आपको कैसा क्या रहता है और मिलते हैं, अभी तो बिहार का चेकिंग बाकी है, सो लेट्स सी हाउ द डे अनफोल्ड्स। और बिहार में तो आपको पता है ड्राई स्टेट है, तो वहाँ तो और भी बहुत ज़्यादा चेकिंग वेकिंग होती है, तो लेट्स सी, चलिए आपको रास्ते में मिलते हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है जर्नी में। I'm watching the stars fly by, I'm in your arms under the night sky, you take me away to a safe space, you're making my heart go boom. I'm a little
सो गाइज हम लोग आ चुके हैं कोडरमा के ऑलमोस्ट करीब, और ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये है एक रेलवे ब्रिज, आप देख सकते हैं ये है एक रेलवे ब्रिज, और इसके नीचे है आपका तिलैया डैम, जो कि आपका यहाँ का बहुत ही बड़ा डैम है कोडरमा का, आपको पता ही होगा झुमरी तिलैया डैम है ये। और ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा, रास्ते एकदम नए बने हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे काम चल ही रहा है, और अगर चाहें तो उस पर भी जा सकते हैं हम लोग, आपको दिखाएंगे। ऐसा है, सो यार धूप बहुत तेज़ है बट मज़ा भी उतना ही आ रहा है यहाँ पे, और हम लोग थोड़ा फोटोग्राफी वगैरह करेंगे तो उतर गए हैं यहाँ पे। गाड़ी हमने वहाँ पार्क कर दिया है और एकदम मस्त चमकती हुई दिख रही है। सामने का पहाड़ है, ये पहाड़ काफ़ी पहले बड़ा हुआ करता था, इसको तोड़ दिए हैं और तोड़ के नया रास्ता बन रहा है, पहले ये सिंगल लेन ही था। अभी आप देख सकते हो नीचे में पूरा मिट्टी विट्टी का काम चल रहा है, बेस तैयार कर रहे हैं अभी। और ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जो तिलैया डैम है, आप देख सकते हैं बहुत सारे क्रेन, कह लो क्रेन है शायद वो, आप लोग बताना शायद कैमरा में अगर आ रहा हो तो, क्रेन है वहाँ पे, इसमें बहुत सारे मछलियाँ फिशिंग वगैरह भी होता है। सो ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा, आप देख सकते हैं। और वो रही हमारी गाड़ी, ये रहा ब्रिज। अब थोड़ी देर बाद जाके हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, सो टाइम तो हो गया है 10:30, भूख नहीं लगा था बट सोचे कि भूख नहीं लगा है तो थोड़ा बहुत चला ही लेते हैं, रुक के टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं था क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। सो चलिए आपको वहाँ मिलते हैं, कहाँ हम लोग खाएंगे वहाँ दिखाते हैं आपको। और वो दूर में देख सकते हैं पूरा डैम का पानी, रिजर्वायर का पानी यहाँ पे है, डैम उधर बना हुआ है, वो तो हमें नहीं दिखेगा डैम बट रिजर्वायर आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे है, ब्रिज है दोनों तरफ में। सो गाइज अभी हम लोग पहुँचे हैं, बिहार एंटर किए हैं, ये है नवादा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यहाँ कुछ ये एक चेक पोस्ट है बेसिकली। सो हम लोग यहाँ पे कुछ खाना वाना हम लोगों को दिख रहा था तो सोचे कुछ खावा लेंगे यहाँ से, खाना एज इन फल वल है, आपको भी दिखाते हैं। और किलोमीटर ऑलमोस्ट 420 के आसपास हो चुका है। ये है कुछ खाने वाने का यहाँ पे जगह है, फल वल है और ऐसा है जगह। चलिए ठीक है कुछ खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस हम लोगों का ब्रेकफास्ट कम लंच आ गया है और आपको दिखाते हैं ऐसा है कुछ। हमने आलू पराठा ऑर्डर किया है एंड बहुत धूप है, गर्मी है, बहुत टाइम लग गया यार, सो सोचे जल्दी जल्दी ये खा लेते हैं और फिर निकलते हैं। सो फिर खा के मिलते हैं आपसे। सो गाइस हम लोगों का ब्रेकफास्ट कम लंच अभी हो गया है और ये है कुछ होटल, होटल सम्राट करके है, ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। नवादा में जैसे आप रजौली वाला जो वो घाट सेक्शन है वो आप क्रॉस करते हो तो वैसे ही आपको दिख जाएगा ये वाला जगह। एंड सो यस, अगर आप लोग इस रूट में आते हो तो यू कैन डेफिनेटली आउट फॉर दिस रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं होटल टाइप का ही है। सो ऐसा है कुछ, बहुत गर्मी है यार, मतलब टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40-41 ऐसा है। और ये रही हमारी गाड़ी, छाँव में खड़े हैं, ऐसा कुछ सीटिंग है। ठीक है चलिए अब आपको मिलते हैं गाड़ी में बैठ के। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं अभी पटना सिटी के अंदर में और टाइम हो रहा है अभी 3। सो ऐसा है कुछ अपडेट अभी का, ट्रैफिक तो बहुत था यार और यहाँ पे ये मेट्रो का काम भी चल रहा है, सो कंजेशन बहुत ज़्यादा है बट कोई नहीं, टाइम से पहले हैं हम लोग, मेरे को तो जितना लगा था कि लेट होगा उतना हुआ नहीं और सही टाइम पे हम लोग पहुँच चुके हैं। सो ये है पटना शहर, कुछ ऐसा सा दिखता है,
मेट्रो का काम यहाँ भी चल रहा है। सो नाइस, चेंज हो रही है, हमारा देश बदल रहा है, पटना बदल रहा है, बिहार बदल रहा है। सो चलिए ठीक है, अब आपको घर पे जाके मिलते हैं। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, ये रहा अपना कुछ अपार्टमेंट, ये रही अपनी कार, और हम लोग फ्रेश होके बाहर गए थे, थोड़ा लंच वंच किए, लंच वंच करके फिर अभी आए हैं। ऑलमोस्ट 3:10 के आसपास हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ पे, और गाड़ी आप देख सकते हो काफ़ी गंदी हो चुकी है, धूल वूल पूरा जम चुका है। सो ऐसा है कुछ कंडीशन गाड़ी का। सो सी यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड भारत माता की जय। पीछे पीछे आंदा मेरी चल वेंदा आई, पीछे पीछे आंदा मेरी चल वेंदा आई, चिर वाले आ वेखदा आई वे मेरा लौंग वाचा, निगा मारदा आई वे मेरा लौंग वाचा। पीछे पीछे आंदा मेरी चल वेंदा आई, पीछे पीछे आंदा मेरी चल वेंदा।